بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. ये पब्लिक सर्विस मैसेज भी है और एक डॉक्टर के तौर पे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पे मैं हैरान भी हुआ हूँ. पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तो मैंने भी नहीं पढ़ा था कि इतने केसेस हमने डील नहीं करते थे पहले, लेकिन अब पिछले 10-12 सालों में यहाँ के आईसीयू में, अगर कि अब मैं इस आईसीयू में नहीं हूँ, यहाँ ना मुझे ढूंढते आया करें. और लेकिन यहाँ सांप के काटे के मरीज़ जितने आए माशाल्लाह, 10 सालों में 20 आए होंगे, शायद ज़्यादा आए होंगे. तो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दी सारों को उसमें. लेकिन पिछले दिनों एक बच्ची के लिए उसकी वीडियोस उसकी घर वालों ने भेजी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा. और एक और नॉन मुस्लिम पेशेंट है हमारे पास, अभी रह के गए इस आईसीयू में, क्रिश्चियन पेशेंट, उन्हें सामने काटा हुआ था. लेकिन वो बच्ची वाली जो केस है उसने मुझे मजबूर किया कि ये मैं मैसेज डॉक्टर्स को, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स को भी और जनरल पब्लिक को आपको दूँ. डॉक्टर्स को पता तो होगा, बुक्स में पढ़ा, या शायद ज़्यादातर नहीं पढ़ते, डील नहीं करते. उस बच्ची को केस को डील करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो एलोपैथिक मैसेज भी पूरा नहीं है, लोगों के पास इसका अंदाज़ा नहीं है. तो सांप के काटा, सांप ज़्यादातर जो है ना वो जहरीले होते नहीं हैं, उसके खौफ से ही कई बार इंसान बुरा हाल हो जाता है. लेकिन जो जहरीले होते हैं वो दो किस्मों के ज़्यादा होते हैं. एक वो होता है जिसका जहर आपको जब वो काटता है तो कुछ दिन आपको बुखार वगैरह होता रहता है, लेकिन आपके प्लेटलेट कम हो जाते हैं और आपके खून के खुलिए टूट जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, यरकान सा भी हो जाता है. मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे हेमोलिसिस भी कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट्स जैसे डेंगू में कम हो जाते हैं. तो ब्लीडिंग पेशेंट को जगह जगह से शुरू हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है. लेकिन ये सांप कम हैं, लेकिन हमारे कई गाँव में, देहाती इलाकों में या मुख्तलिफ इलाकों में ये हैं. इसी तरह जो ज़्यादा सांप जहरीले हैं उन्हें हम मेडिकल ज़बान में तो न्यूरोटॉक्सिन उनका जहर होता है जो कि इंसान के आसाब शल कर देता है. इसको ऐसे समझें कि अल्लाह ने उसको वो जहर इसलिए दिया होता है कि उसने भी खाना पीना है. वो जो कीड़े चूहे कोई जानवर जो खाता है उनको वो डंग मारता है, तो वो उसको बेहोशी, जैसे डॉक्टर्स बेहोशी देते हैं ना, या नशे वाला टीका, तो उसके जहर में नशा होता है. लेकिन वो इतना ज़्यादा नशा होता है कि एक तो वो मरीज़ को या जिसको वो काटता है उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फालिज की तरह कर देता है. जो बात समझने की है कि वो मरीज़ को फालिज की तरह, पूरा जिस्म उसका फालिज हो जाता है, उसको जैसे वो बिल्कुल हिलने जुलने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसने उस चूहे को खाना है या उस चीज़ को खाना है तो उसका शिकार है, खुदा ने उसको शिकार का उसका तरीका है. अगर वो आगे से हिलेगा भागेगा तो वो पकड़ नहीं सकेगा, तो वो उसको बेहोश कर लेता है, बाद में उसको वो खाता रहता है. लेकिन इंसानों को जब वो काटता है तो ये वाले सांप ज़्यादा हैं, और ये मरीज़ हमारे पास ज़्यादा आए हैं. और यहाँ पर भी शुरू में, आज से 10 साल पहले मुझे याद है कि मेरी डॉक्टर साहब नीचे गई तो वो इमरजेंसी से उन्होंने फ़ोन किया कि सर ये पेशेंट आया है, इसका नब्ज़ ज़रूर चल रही है लेकिन इसका सांस नहीं चल रहा, और इसको सांप ने काटा है, ये किसी कसूर की साइड से लाए थे. तो ये तो पहले डेथ सर्टिफिकेट देने लगे थे, लेकिन बाय चांस इसकी ईसीजी लेने की पल्स भी नहीं फील हो रही थी बेसिकली उसकी, और इमरजेंसी में मॉनिटर नहीं था, तो उन्होंने तो समझा कि रिसीव डेड है. लेकिन उन्होंने ईसीजी स्ट्रिप लेने के लिए जब ईसीजी लगाई तो उसकी ईसीजी मशीन के ऊपर ईसीजी, उसका हार्ट चल रहा था तो बहुत फीबल कई पल्सेज मिली, तो उन्होंने उसे फ्लूइड वगैरह रन किया और मुझे बताया कि इसकी ब्रीदिंग नहीं है, तो शायद ब्रेन को डैमेज हो चुका हो. मैंने कहा नहीं, आप इसको फ़ौरन आईसीयू में लाएं और वेंटिलेटर पर डाल दें. पहला मैसेज ये है कि मरीज़ तो ये शोर डालता है कि हाय हाय मेरी जान निकल रही है, मेरे जिस्म में से जान निकल रही है, वो फौरी नहीं बेहोश हो जाता. कई बार बहुत ज़्यादा जहर हो तो वो भी सकता है, लेकिन जो जैसे इस बच्ची का केस था कि ये सोते में इसको उसने काटा, बन्नू के इलाके की ये बच्ची थी, इसके मामू खुद डॉक्टर थे, उन्होंने वीडियोज़ भी मुझे भेजी, फेसबुक पर भी उन्होंने शेयर की. लेकिन उन्होंने रात को वो सांप मार भी लिया, उठ भी गए वो सब जब उन्हें पता चला, और उन्होंने बच्ची के जिस्म पे कहीं काटे का निशान नहीं था, लेकिन बच्ची थोड़ी देर बाद उल्टियां करना शुरू हो गई या बेहोश हो गई, और ये लेके फिर उस उधर के हॉस्पिटल बन्नू में, शायद CMH था या जो भी हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए. कहने का मकसद ये है कि उस मरीज़ का जब सांस बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि उसके पट्टे काम नहीं कर रहे, उसमें ताकत नहीं होती, लेकिन उसका दिल चल रहा होता है, तो उसको सांस देना होता है किसी तरह. अगर घर में ही ऐसा हो गया है तो उसका मुंह, गला साफ़ कर लें, मुंह में कोई चीज़ ना हो खाने पीने की, और उसका नाक पकड़ के मुंह से मुंह लगा के आपको सांस देना पड़ेगा.
आपका अपना सांस अंदर पूरा लेके जाएं, नाक पकड़ के मुंह खोल के उसको सांस दें, लेकिन अगर वो सांस नहीं ले रहा, वो ले रहा है तो बस उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचें। और डॉक्टर्स के लिए ये है कि उसको आईवी लाइन या उसको ड्रिप के लिए तो लाइन आप लगा दें जो इंजेक्शन रूटीन में लगाते हैं, लेकिन इसका जो एंटी वेनम है वो टीके सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाए जाते हैं, जिन इलाकों में ज़्यादा होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से डोज दी जाती है, लेकिन उमूमन बड़ों में 6 टीके इकट्ठे वो ड्रिप में डाल के तो उसको 2 घंटों में ये दे दिए जाते हैं जो इंजेक्शन्स हैं। पहले 6 टीके, हाँ जी 6 टीके, 6 इंजेक्शन वेनम के उसको ड्रिप में डाल के तो उसे दे देते हैं, फिर हर 6-6 घंटे बाद 2 इंजेक्शन ड्रिप में डाल के फिर देते हैं, और ये टोटल आपने 3 बार ऐसे करना होता है, यानी 6 इकट्ठे और फिर 2, 2 और 2, तो 12 टीके उसको लगा देते हैं। ये तो एंटी वेनम हो गया, उसके सांप के जहर का तरियाक जिसे कहते हैं, या आम जुबान में इसको उर्दू में तो तरियाक कहते हैं, इंग्लिश में हम एंटी वेनम कहते हैं, लेकिन एक और जुबान भी पंजाबी में भी इसे कुछ कहते हैं, मेरे जहन से अचानक लग गया, जो गाँव में हम कहते हैं। हाँ, सपेरों के पास मनके शनके होते हैं, उनका मुझे पता नहीं है, कभी सपेरे के पास ले जाए वो कुछ कर लेगा, लेकिन सपेरों के पास जो सांप होते हैं उन्होंने अमूमन उसकी जहर की थैली निकाली होती है, या वो होते ही नहीं जहरीले, उन्हें उनकी पहचानें होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये न्यूरोटॉक्सिन वाले जो सांप है, इसके काटे का इंसान बच सकता है, मेडिकली भी बच सकता है, उसके लिए कोशिश असल में ये करनी है कि उसे करीबी अस्पताल लेके जाएं। अगर वहाँ डॉक्टर बेहोशी का डॉक्टर ऐसा है, या ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो उसके गले में नाली डाल के उसको सांस वाला एक बैग होता है, एम्बू बैग हम उसे बोलते हैं, अगर वहाँ अवेलेबल है वो उसको उस पर ही डाल दें, सिर्फ उसको सांस देते रहना है, दिल उसका चलता रहेगा। और जो भी करीबी बड़ा अस्पताल है वहाँ अगर सांस देने वाली मशीन जो वेंटिलेटर है वो मिल जाए तो उस पर डाल दें। डॉक्टर्स ने और कुछ नहीं अब आपने करना, आपने सिर्फ 8 से 10 दिन सब्र से उसकी बाकी सारी ज़रूरियात का ख्याल करना है, उसके पखाने पेशाब का, पेशाब की नाली लगा दें, उसे खुराक वाली नाली लगा दें। एज ए ICU स्पेशलिस्ट, अब तो मुझे ICU स्पेशलिस्ट नहीं माना जाता, निकाला इसीलिए गया कि 30 साल की जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं अपने आप को ICU स्पेशलिस्ट कहना शुरू हो गया था, तो मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ या जो भी हूँ, तो जो 30 साल मेरा तजर्बा है मैं उसी की बेस पे, जितने स्टूडेंट भी आगे तैयार किए हैं, इन लोगों को यही मैसेज देता होता हूँ कि जितने आप नॉन इन्वेसिव रह सकें, उसे TPN CPN करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप शुरू कर दें उसको, आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से या नाक की नाली से उसे खुराक, उसकी कैलोरीज पूरी करें, 30 kcal/kg कर लें उसकी, ठीक है, और उसको वो डिवाइड कर दें, वो आप उसकी देनी है डेली कैलोरीज उसकी, वो आप जितनी ज़्यादा नेचुरल ऑरिफिस से देंगे, मैदे को इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर रहेगी। तो ये टोटल 8-10 दिन, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, उसका सांस ज़्यादा देर रुका रहा है, आपने आपको CPR करना पड़ा, दिल भी रुक गया, ब्रेन डैमेज हो गया, वो और बातें हैं। जो इस बच्ची के केस में था, अब मैं इधर आता हूँ कि ये जो केस है जिसकी एक वीडियो आप देखेंगे वो तो यहीं का है, ICU का, वो नॉन मुस्लिम पेशेंट था, सांप काटे का आया, उसमें शायद डॉक्टर साहब ने जो वीडियो जिन्होंने बनाई हुई है उनकी इजाज़त से बनी हुई है उस फैमिली के, उन्होंने 7 सूरह रहमान सुनाई और वो बड़ी जल्दी ठीक भी हुआ और अल्लाह ने उस पर करम किया, वेंटिलेटर पर वो भी रहा। हमारे पास जितने पेशेंट रहे 7 दिन 8 दिन 10 दिन, वो टोटल ऐसे लगता है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले उसकी फिर आँख की पुतली हिलना शुरू होती है, या प्यूपिल उसे हम बोलते हैं अंदर वाली जो है, वो नज़र आना शुरू होती, हिलना शुरू हो जाती है, और फिर मरीज़ कोई ना कोई हाथ उंगली हिलाना शुरू कर देता है। 10 दिन 12 दिन 2 हफ्ते में, बल्कि उससे जल्दी हमारे पास तो विद इन ए वीक ठीक हुए हैं जितने हुए हैं, लेकिन कुछ लेट भी हो जाते हैं, वो मरीज़ होश में आ जाते हैं और फिर वो पूरे ठीक होते हैं। जहाँ तक इस बच्ची की बात है, ये तो सिर्फ 3-4 साल की थी, और जिस वजह से मैं वीडियो ये आप लोगों को कह रहा हूँ और ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि ये असल उसकी लाइफ सेविंग है, कि उसका सांस का निज़ाम बहाल रखें और करीबी अस्पताल तक पहुँचें जहाँ पे उसे सांस भी दिया जा सके, वो एंटी वेनम के इंजेक्शन मिल जाएं तो अच्छी बात है, नहीं भी तो उसे बस वो सांस वाली मशीन पर डाली रखें। और बड़े अस्पताल, बड़ी जगह जाने की कोशिश करें, उसको सिर्फ 8-10 दिन मैनेज करना है, उसके जैसे एक कोमा के पेशेंट को मैनेज करते हैं, या एक बेहोश मरीज़ को ऑपरेशन के दौरान उसके सांस का ख्याल करते हैं, सारा कुछ ख्याल करते हैं, तो ये जान बच सकती है। अफसोस इसलिए हुआ, या जो मैंने ज़रूरत समझी वो ये समझी कि मुझे वहाँ से उस बच्ची के मामू का फ़ोन आया, बन्नू से, कोहाट से या बन्नू से, उन्होंने कहा मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ ले आया हूँ अपनी भांजी को, या भतीजी थी उनकी, तो लेकिन ये हमें डिस्करेज कर रहे हैं सारे, और सिर्फ एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहीं YouTube पे आपका सुना या पढ़ा हुआ है, उन्होंने आपका नाम लिया और उन्होंने कहा कि उनका नंबर ले लें, वो ही यहाँ बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनसे सूरह रहमान समझें,
अगर उससे बच गई तो बच गई, मेडिकली मर्दर से जवाब है, और बच्ची टोटल कोमा में चले गई चंद घंटों के अंदर, और उसे वेंटिलेटर पर उन्होंने डाल दिया हुआ था। मैंने उन्हें मेडिकली भी तसल्ली दी और उन्हें कहा कि नहीं, इसका वेंट ऑफ नहीं करना, और आपने उसके साथ साथ इसकी खाने पीने का, पेशाब पखाने का ख्याल करें, बाकी इसके वालदैन सूरह रहमान सुने, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा ये बच जाएगी। वो कुछ दिन बाद, चार पाँच दिन बाद, ज़ाहरी बात है जब बंदा गरजमंद होता है, दीवाना होता है, मैंने उन्हें मना किया कि इसके ऊपर और कुछ ना कीजिएगा, वो मुख्तलिफ और भी दम दरूद करते रहे। पाँचवें छठे दिन उनका पैनिक फ़ोन आया कि यहाँ से डॉक्टर साहब तो किसी वजह से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वो वाले डॉक्टर साहब, बाकी कोई डॉक्टर उसकी ज़िम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है, और बल्कि एक डॉक्टर साहब तो आपके ख़िलाफ़ बहुत बोले हैं कि वो डॉक्टर जावेद साहब फॉल्स होप दे रहे हैं आपको, हमने आज तक ना मरीज़ बचते देखा है, और आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये मरीज़ जो है इसकी तो ना, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं है, मसनू सांस सिर्फ चल रहा है, हम इस मशीन को उतारेंगे तो इसका दिल बंद हो जाएगा। तो वो आपको फॉल्स होप दे रहे हैं, और खाम खा हमारा बेड एक ऑक्यूपाई हुआ हुआ है, और दूसरी बात ये कि आप लोगों को फॉल्स होप दे के आपकी जो है होप्स बहुत हाई कर दिए हैं, और अब आप लोग बाद में हमारे साथ फड्डा करेंगे अगर आपका कोई रिज़ल्ट ना निकला। तो छः दिन तो सूरह रहमान को हो गए हैं, बच्ची तो ज़रा सी नहीं हिली है। मैं यहाँ से लाहौर से बैठा बस उनसे तरले करता रहता था, उनकी वालदा को भी दुआ कराई बच्चे के, मैंने बार बार कहा कि वालिद से मेरी बात कराएं, लेकिन वो शायद ग्रीफ की ऐसी हालत में थे कि उनसे बात हो नहीं सकती थी, लेकिन उस बच्ची के केस में वालिद बहुत ज़्यादा अटैच थे, और मैं उन्हें डी लिंक भी साथ करना चाहता था कि इसे आप टोटल अल्लाह पर छोड़ें, इसके अल्लाह नहीं बनना, इसके बाप रहें या इसकी माँ रहें, इसका अल्लाह ना बने, इसकी 70 माएँ ना बने। तो उनसे भी थोड़ी सी बात हुई, मुझे लगा वो फ़ोन पे बात ही नहीं कर पाते थे, और बड़ी मायूसी में या जो भी दुनिया उन्हें कह रही थी। और एक कई बार इंसान के पता नहीं उनके फैमिली में से किसी और ने किया कि ये बहुत ज़्यादा सवाल हमारी फैमिली में है कि हमने किसी से ज़्यादती नहीं की, हम ऐसे नहीं हैं, बच्ची बहुत अच्छी थी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो मुझे इमोशनली उन्हें समझाना पड़ा कि ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, और आप लोगों को जवाब मिलेगा, आप घर के ही लोगों में, हो सकता है बच्ची की अम्मी अब्बू में से किसी ने बड़ी दुआ मांगी है, औलाद की आजमाइश आ जाती है, बड़ी मुश्किल आजमाइश होती है, जान की माल की, तो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो दूसरा उनका ये था कि अब यहाँ से हम पेशावर ले जाते हैं जो चार घंटे का शायद रास्ता था, क्या हम ये रिस्क लें। मैंने तो उन्हें सख्ती से पहले मना किया, क्योंकि मेरा नज़रिया ये था कि अगर वेंटिलेटर अवेलेबल है अल्लाह शिफा यहीं दे देगा, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, और आगे से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने पेशावर से एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये एम्बुलेंस पे वहाँ ले गए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, वहाँ जा के इन्होंने बताया कि हम आपकी एडवाइस के अगेंस्ट ले आए हैं, कल के हम आगे हुए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब वो कह रहे हैं ये हॉस्पिटल वाले कि इसके गले में हमें नाली डालनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने सीटी स्कैन किया, उन्होंने सीटी स्कैन में हमें बताया कि ये आप लोग भी देख लें, हम वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, बट दिस इज़ अगेन ए फॉल्स होप, दिस इज़ होपिंग अगेंस्ट होप, और ये सीटी ब्रेन स्कैन में इसके ब्रेन को डैमेज ना सिर्फ हो चुका है, बल्कि इसकी इतना ज़्यादा ओडिमा है, ये है वो है। मैं एक ही बात पे अड़ा रहा कि आप लोगों ने इस बच्ची की मशीन ऑफ नहीं करनी है, और क्या उसकी कोई उंगली, छोटी उंगली, पाँव की उंगली या आँख की पुतली कोई हिली है कि नहीं हिली। उसमें उनकी दूसरे दिन डिबेट थी कि अम्मी उसकी कहती है कि मैंने आँख थोड़ी खोलते देखा है, लेकिन बाकी कहते थे नहीं देखा है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कोई रिफ्लेक्स था, और आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं। बहरहाल मेरे मना करने के बावजूद ट्रेकियास्मी भी उन्होंने कर दी, मेडिकली खैर डिसीजन ये की भी जा सकती थी, 7-8 दिन हो गए थे वेंटिलेटर पे। मेरा ये था कि छोटी बच्ची है, कॉस्मेटिकली उसके लिए बाद की लाइफ में या निशान ना उसके रह जाए, और ये चंद दिन की बात है, ये वेंट से उतर जाएगी, अच्छी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसकी केयर से ये मैनेज हो सकता है, अदरवाइज ट्रेकियल स्टीनोसिस का डर होता है अगर आप ट्यूब ज़्यादा दिन रखते हैं। 3 दिन मज़ीद गुजरने के बाद उनके हौसले टूटने शुरू हुए कि नहीं, ये तो बिल्कुल हिल नहीं रही है, बुखार नीचे नहीं आ रहा। फिर सीटी स्कैन किया गया, उसमें थोड़ा सा ओडिमा कम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे ख्याल में इसके मल्टीपल एरियाज़ में इन्फार्क्ट्स हैं। मैंने कहा ये सारा कुछ ठीक होगा, इसके वालिद से मेरी बात कराएं, और अब आप लोग सूरह रहमान दोबारा सुन रहे थे वो, मैंने कहा इसमें कसीदा बुर्दा शरीफ साथ सुने, वो भी साथ सुन लें, बच्ची को ना सुनाई दें, और मेरा ख्याल आप लोग बहुत ज़्यादा तस्बीहें पढ़ के या दम करके उसके ऊपर फूंक लें। तो उसके शायद वालिद साहब के ये ऑब्जेक्शन थे कि अल्लाह का कलाम है और वो नमाजी परहेजगार बहुत ज़्यादा थे, मैं मिला तो नहीं, फ़ोन पे बात हुई, माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी थे। थोड़े से मैंने उन्हें बात समझाई कि मैं तरीका इलाज बता रहा हूँ, बच्चे के लिए जितनी डोज है उसमें रहें और आप लोग ये करें। वहीं पर डॉक्टर इशफाक थे, जिनकी आपने वीडियोस देखी होंगी हमारे इसी चैनल पर नीचे सेमिनार्स में, जो बात करते हैं, डॉक्टर इशफाक खान भी पठान हैं, उनके बेटे को ऑटिज़म
या ADHD डायग्नोज हुई भी थी, और उसी हालत में उसने सर में चोट लगा ली, बहुत झूले से नीचे गिरा, दिमाग के अंदर खून आ गया। और तब उन्होंने मुझे फेसबुक से पढ़ के फ़ोन किया था पिछले साल। तो उस वक्त उन्होंने भी ऐसे ही मुझे कहा कि हॉस्पिटल वाले तो कह रहे हैं कोई होप नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी वेंटिलेटर पे डाल दिया, और उन्होंने सॉरी कर लिया न्यूरोसर्जन ने कि मैंने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन होप कोई नहीं है, और अगर ये बच भी गया तो सारी ज़िंदगी ये माजूर बेड पे रहेगा। तो उन दोनों को भी मैंने मियाँ बीवी को कहा कि तुम दोनों अपना अपना दिल साफ करो, इस बच्चे की दादा दादी नाना नानी ददियाल ननियाल और आपस में तुम दोनों पर्टिकुलरली तुम लोगों का दिल साफ हो। वो तो अब फ्रैंक है, इशफाक कॉस्मेटिक सर्जन है, मेरे साथ हंसता है, नहीं तो पठानों से ऐसी बात करके तो जान छुड़ाना मुश्किल, तो मार देते वहीं से फायर मार देते। तो खान साहब ने मुझे कहा कि हाँ सर मैं हूँ तो गुस्से का सख्त, तो मैं कहा नहीं आप लोग दोनों आपस में प्यार करें, वो दोनों डॉक्टर भी थे। उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की तो वो इन्हें मैंने बता दिया कि वो डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल आएंगे, वो दोनों फैमिली मियाँ बीवी आएंगे, उनका बच्चा चलता फिरता आपके पास आएगा, इसी हॉस्पिटल से गया हुआ है न्यूरो सर्जरी के बाद, और अब तो उसको स्कूल में दाखिल करा दिया आम बच्चों के स्कूल में जो ADHD ऑटिज़म का बच्चा था, और हेड इंजरी का कॉमे के साथ जो कह रहे थे कि अब ये पैरालाइज्ड ही खुदा नखास्ता रहेगा, वो मुकम्मल सेहत याब है। तो उसके पेरेंट्स जूँ जूँ ठीक होते गए, बच्चा ठीक हो गया। तो आप लोग हौसला करें, शायद उनकी लैंग्वेज, उनके पठान पठान की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी समझते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी या बदकिस्मती से फ़िलहाल इशफाक ने मुझे बताया सर मैं तो कहीं आउट ऑफ कंट्री या पता नहीं अफगानिस्तान की साइड पे वो कहीं गए हुए थे कोई शॉपिंग करने अपने किसी काम से। तो काकियाँ इस्लामाबाद की, इन दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की, ये काकियाँ भी कभी ऐसे अल्लाह ने इनकी हेल्प की थी, गाड़ियाँ शाड़ियाँ इनके पास हैं, ये लोग उसी हालत में वहाँ गए, बच्चे की माँ को हौसला दिया, वहीं उन्हें भी दुआ कराई, वो डीलिंग करने के लिए एक बार कराई, पता नहीं उन्हें ये बगैर दुपट्टे वाली काकियाँ पसंद आई कि नहीं, क्योंकि मैं तो अपना मतलब निकाल रहा था, मैं इन्हें कहता बुरके पहनो, उन्होंने मुझे छोड़ देना था, ये गाड़ियों शाड़ियों वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो ये ऐसे ही चले गए फन में। इन्होंने वहाँ दुआ कराई, उन्होंने जितनी मानी होगी इनकी मानी, ये वापस आ गई बेचारी। लेकिन वो बच्चे के मामू और वालदा और उसकी एक मुमानी, वो लोग मेरे रब्ता करते रहे, और उन्होंने बल्कि फिर ये एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर साहब हमें अब सवाए आपके किसी की होप नहीं है, यहाँ के डॉक्टर्स भी रोज़ अजीब से तरीके से राउंड करते हैं और हमारी तरफ तरस से देखते हैं कि यार तुम लोग बेवकूफ़ हो, खाम खा वेंटिलेटर चलवाया हुआ है, ज़िद में पड़े हुए हो, और ये बची तो बस अब इसका हार्ट ही चल रहा है, तो खाम खा वेंटिलेटर चलाने का फ़ायदा नहीं है, और हम आपको कोई होप नहीं दे रहे, आप वाहिद बंदे हैं, तो अब हम आपकी सारी बात पूरी मानेंगे, बीच में हम आप मना करते थे कोई और दम दरूद और पढ़ाइयाँ तस्बीहां ना करो, वो अब हमने मानी बंद की हैं, अब हम नए सिरे से सूरह रहमान कर ले। मैं कहा जी सिर्फ आप लोगों ने करनी है, बच्चे के पास नहीं लगानी, वो आप चूँकि बच्ची छोटी है, आप दोनों मियाँ बीवी करें। दूसरे दिन ही उनका बड़ा खुशी से फ़ोन आया कि जी डॉक्टर हैरान हो गए, आज वो पूरा हिली है, आँखें खोल दी हैं, उठने की कोशिश की है, तो सांस की मशीन भी उतार दी है, और अगले दिन ही उन्होंने उसके गले की भी नाली निकाली। थोड़े दिन ज़्यादा लगे, अब जो ख़तरनाक बात हुई वो ये हुई, ये पूरी स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ इसलिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह जब आजमाइश में डालता है फिर वो अपनी बात मनवा के छोड़ता है, और वो अपने किसी बंदे को नहीं उसने मनवाना होता, ना किसी बंदे की बात मनवानी, बात उसी की होती है, शिफा उसी के हुक्म का नाम होता है। लेकिन आप बड़ी दुआ मांगेंगे, अल्लाह से बड़ा दर्जा मांगेंगे, चाहे इबादत के ज़रिए, चाहे दुआओं के ज़रिए, चाहे कोई नेक अमाल के ज़रिए, जो कुछ भी करेंगे जितना करीब जाएंगे आजमाइश और टेस्ट बड़े होते जाएंगे। आप तमाम अंबिया को देख लें, करबला वालों को देखें, जो उसकी कुर्बत है वो फिर कुर्बानी से मिलती है, उसमें आपके पास कितना हौसला है। मैं उसके वालिद साहब को दाद देता हूँ, वो अपनी जो भी इबादत दुआ थी उस पर भी कायम रहे और दुआ भी करते रहे, हौसला नहीं उन्होंने हारा, लेकिन शुरू के टेलीफोनों में एक दो बार वो हौसला उनमें इतना नहीं था, बात नहीं कर पाते थे, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा वो बात कर लेते हैं लेकिन थोड़े डिप्रेस से होते थे। आज तक उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैं ज़रा उनके लिए गैर शरी सा बंदा हूँ, लेकिन उनके घर से मुझे बड़ा परेशानी का फिर फ़ोन आया कि वो बच्ची तो ठीक हो गई है, वेंटिलेटर से उतर गई है, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा, वो खा पी रही है, आवाज़ पे रिस्पांस कर रही है, अपनी माँ को हर बात मान रही है, उठ बैठ रही है, वीडियो भेजी मुझे उन्होंने, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा। मैंने फिर भी उन्हें यह कहा कि इसे नज़र भी आएगा, उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने आपको कहा था ना ये CT स्कैन में फ़लाँ जगह पे प्रॉब्लम है, और ये ऑक्सीपिटल एरिया हम उसे बोलते हैं, पिछला शायद वो डैमेज हो गया हुआ है, तो ये दोनों आँखों में इसके VN नहीं है। कुछ दिन पहले
उसके मामू का जो डॉक्टर साहब है उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब इसकी पूरी नज़र भी आ गई है। मेरा एक ही जोर था कि इसके अब्बू के सीधा बुरदा शरीफ सुने। उधर शायद थोड़ा मसला था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक है, शायद दफ है, डफली है, उन्हें शायद वो मसला था, लेकिन सुना, वालदा ने सुना, दुआ की। वो ख़ुद अपने मुँह से जो भी बोलेंगे वो उन्हें वही बेहतरीन होगा और वो सही होगा। ये वक्त याद रखना है। मेरा इसको बताने का मकसद शायद जो टेक होम मैसेज है पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए भी, जितने मेडिकल प्रोफेशन से हो, ये सांप के कांटे का जो है, और बिच्छू का चले मैं आप, वो ज़ाती तजर्बा मेरा मुझे बीच में याद आ गया है, ये भी दुआ है। वही मेरी सिस्टर रेहाना, मेरी बड़ी बहन जो है, उनका बेटा मेरा भांजा, आज से 4-5 साल पहले उनका घर है इंजीनियर्स टाउन में, तो वो रात को उसको, वो बाहर ड्राइवर को कोई खाना देने गया है पता नहीं क्या, तो उसके पाँव के नीचे किसी चीज़ ने अचानक उसके जूता, उसने खुला पहना हुआ था, काटा, उसने देखा तो वो बिच्छू था, वो पाँव उसने उछाला या गिरा, वो उसके पाँव के नीचे आया, वो मर तो गया। मैं क्लिनिक पे था तो इनका फ़ोन आया कि बिच्छू ने उसको काट लिया। मैंने कहा शक होगा, उन्होंने कहा नहीं, बिच्छू वहाँ मरा पड़ा है और हमने देखा है उस इलाके में, चूँकि अभी रिलेटिवली लाहौर की ज़रा पेरिफ्री बनती है इंजीनियर्स टाउन, तो ये मेरे क्लिनिक पे उन्होंने कहा हम इसको ला रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि पाँव में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, इंटेंस पेन है, और उसके पाँव को बांध दिया है, टांग को हमने दुपट्टे से बांध दिया है, शायद कि जहर फैले ना। मैंने उनकी खैर वो बात तो उस वक्त पूरी नहीं सुनी, मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसको क्लिनिक पर ले आएँ या करीबी बड़े हॉस्पिटल ले जाएँ कि इसको रिएक्शन लाइक सिचुएशन, जैसे दवाई से रिएक्शन हो जाता है, एंजियोनोराटिक एडिमा उसे बोलते हैं, कि इसका सांस ना बंद हो जाए, और वो थोड़ा सा एस्मेटिक है भी है। लेकिन वो लोग मेरे क्लिनिक तक पहुँचे लेके, वो रास्ते में पड़ता था, मुझे याद है कि मैं बाहर निकला हूँ कि शायद छोटी मोटी उसे चोट लगी, उसके भाई ने उसको उठाया हुआ बरशगाल जो बैठ चला गया, और उसके वालिदैन दोनों साथ, अब उसको चला के हम अंदर लाए, वो उछल उछल के एक पाँव से कि मामू बस पाँव में दर्द बहुत है, आई डोंट नो। मैंने जब वो अंदर आके हमने इसको बेड पे लेटाया, मेरे साथ नर्सेज इकट्ठे हो गए, तो उसको आईवी लाइन लेके मॉनिटर हमने लगाया, थोड़ा सा सांस उसे ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसको नेबलाइज करते हैं और इसको स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन हम लगाते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन और एंटी एलर्जिक का था, और ड्रिप मैंने कैसे रन करो, लेकिन मैंने वो टार्निकेट जिसे इन्होंने बनाया हुआ था या जो दुपट्टा बनाया हुआ था उसे खोला, पाँव पे स्वेलिंग बहुत हो गई थी, और वो बच्चा जो उसका बड़ा भाई साथ जो गाड़ी में आया था उसने कहा कि मामू मैं इसके पाँव पे जहाँ ये उसने काटा है, काफ़ी निशान था उसका डंग का, तो उसने कहा मैं होंठों से वहाँ से चूसता रहा हूँ इसका जहर के मैं निकालूँ, तो मेरे सारे होंठ जो है ना ये सुन्न हो रहे हैं और इनमें स्वेलिंग हो रही है। उतनी देर में मैंने मेडिकल लाइफ में अपनी, मैं सऊदीया भी रहा हूँ, वहाँ शायद जजान में शायद बहुत ज़्यादा बिच्छू हैं, तो जिन लोगों ने वहाँ बिच्छू देखे हैं, वहाँ डेथ्स होती हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा, इसी से आप अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ से ये वीडियो देखें तो मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आई विश, उस वक्त हालत ऐसी थी कि मैं वो चीज़ कैमरे में नहीं ले सका, मेडिकल लिटरेचर में शायद मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं देखी है। हमने अभी उसे इंजेक्शन दिए, मैं उसका हार्ट रेट देख रहा थोड़ा ज़्यादा था, एकदम वो कम होना शुरू हुआ, और उसने कहा कि मामू मुझे कुछ हो रहा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने कहा शायद वैसे पैनिक हो रहा है, और मैंने उसे आदत के मुताबिक इंजेक्शन, मैंने एड्रेनलिन तैयार किया, और मेरा था कि लास्ट इंजेक्शन मारा होता है कि मैं इसको मसल में लगाता हूँ, अगर इसे रिएक्शन बढ़ता है या सांस ख़राब होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह उसकी ठीक थी, लेकिन उसके अम्मी अब्बा को मैंने कहा कि आप लोग दुआ करें, उसे भी कहा कि तुम बाबा जी वाली दुआ करो, उसने कहा मामू मैं कर रहा हूँ। अजीब सी उसने बात की कि मैंने अल्लाह मियाँ कहा लेकिन अभी नहीं, पता नहीं क्या बात थी उसकी, मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहा है, लेकिन अचानक से उसकी हार्ट बीट डिप करना शुरू हुई और 100 से नीचे और 60 से भी नीचे चले गई। मैंने एड्रेनालिन उसको इंट्रामस्कुलर हाफ इंजेक्शन दे दिया, जो ही वो 30 पे आया मैंने बाकी भी दे दिया, और दूसरा इंजेक्शन सिस्टर से मैंने कहा कि फिल करे, अब शायद आईवी देना पड़ेगा, एंडोट्रेकियल में पकड़ रहा था। जब उस बच्चे का चेहरा, जो चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ कि हार्ट बीट तो उसकी 30 तक आ गई, उसकी माँ ने परेशान होकर जब मेरी तरफ दोबारा देखा, रो रही थी, चेहरा उसका भीगा हुआ था, तो मैं एड्रेनालिन दे चुका था, एंडोट्रेकियल अब पकड़ रहा था इंट्यूबेट करने के लिए, तो एकदम उसका फेस इतना ज़्यादा स्वेल किया सडन, और ये नेक से ऊपर था, उसका नाक डबल साइज़ पे, आँखें, चेहरा, वो सीन हम सारे नहीं भूल सकते। मेरा भाई भी उसी वक्त, खालिद पहुँचा, कामरान पहुँचा, और उसके वालिद अतीक साहब वहीं खड़े थे, वो सीन हम सब आज तक दोबारा जिक्र भी शायद नहीं करना चाहते, लेकिन मेडिकली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप मेडिकल डॉक्टर्स ये समझ सकते हैं कि इट वॉज सम काइंड ऑफ एक्यूट
लाइक ए न्यूरो फाइब्रोमाटोसिस या कोई ऐसी चीज, उसका पूरा फेस इट वॉज डबल द साइज एंड इट वॉज इंक्रीजिंग, बिल्कुल ऐसे था जैसे गुब्बारे में हवा भर रही होती है, लेकिन ये सारी स्वेलिंग थी। और मैंने तेजी से जब हार्ट बीट को 30 से नीचे आते देखा, मैं उसके ट्यूब वाली साइड पे आया तो नर्स डर के भाग गई एक, तो क्योंकि उसको मैंने पूछ लिया कि ये टीका किस ब्रांड का था, वो समझी कि मैं शायद ब्लेम कर रहा हूँ कि तुमने जाली टीका तो नहीं लगा दिया या क्या किया या ड्रग रिएक्शन है। लेकिन बाद में उसने कहा कि सर वो इतना खौफनाक सीन था कि मैं नहीं खड़ी हो सकी। सेकेंड एड्रेनालिन उसको लगाने लगा तो उसकी माँ को मैंने इतना कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा जावेद ये क्या है, तो मैंने कहा कि ये दुआ की जगह है। मुझे आज तक वो माँ उसका अजीब, उसने दुआ की, मैंने कहा इसकी नबज़ पे अल्लाह पढ़ो, वो नबज़ तो उसने पकड़ी हुई थी, वो उसने दिल में कहा या नहीं कहा, लेकिन मैंने एक अजीब एंडोट्रेकियल तैयार करते हुए नर्स को कहा कि दूसरे मेल नर्स को कहा कि तुम ये एड्रेनालिन इसको लगाना है, जब मैं कहूँगा अगर ये ज़ीरो पे जाता है या कोई इसकी हार्ट बीट बंद होती है तो मैं ट्यूब डालूँ। तो उस माँ ने कहा कि जो तेरी मर्जी है। उसी वक्त एक तो वो चेहरा मैंने उस जवान बच्चे का, आज वो लम्स में माशाल्लाह अब इंजीनियर बन के निकलने लगा, उसका चेहरे का साइज रिड्यूस होना शुरू हुआ, हार्ट बीट पिक होना शुरू हुई। मेडिकली मैं कहूँगा शायद एड्रेनालिन जो पहले लगी थी 10 मिनट पहले उसका काम, या 5 मिनट में, ये सारा कुछ 10-15 मिनट में वैसे हुआ है। स्टेराइड्स का इफेक्ट आया, उसकी माँ की दुआ थी, उसके वालदैन की आजमाइश थी, बिच्छू का असर डंग का वहाँ से ख़त्म हो गया, क्या वो जो मैंने अचानक टॉर्निकेट पाँव से खोली थी उससे सडनली वो सारा जहर एकदम ऊपर गया है तो क्या उससे हुआ, शायद बिच्छू डंग मारता है अपने शिकार को तो शायद उसका जिस्म फूल के फटता है तो उसको खाना इजी होता हो, मुझे नहीं पता, इसको नेशनल जियोग्राफिक के किसी में देखूँगा तो समझ आएगी। आप लोगों ने अगर कभी ये केस देखा है, लेकिन इसमें भी टेक होम मैसेज ये है कि शिफा कोई टीका नहीं देता, वो मेरा अल्लाह ही देता है। और उसके आगे हथियार फेंकने पड़ते हैं, आप उस पे मुकम्मल यकीन रखें तो वो भी कर देता है जो ये छोटे मोटे दुनिया के फिरौन इनके ख्यालों से भी आगे होती है बात। बेशक वो हर चीज़ पे कादर है, लेकिन हम उस पे तवक्कल ही नहीं करते। ये एक एडिशनल मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। बहरहाल वो मरीज़ भी उस दिन ही मैं आधे घंटे बाद ही, इसी सारी सिचुएशन के बाद आधे घंटे बाद ही वो उठ के बैठता है और कहता है मामू मैंने घर जाना है, मैं ठीक। मैं मेडिकली उसे उधर ही हॉस्पिटल में रखना चाह रहा था, फिर हमने वहाँ से मूव किया कि मेरा घर बिल्कुल साथ है, अब इत्तेफाक हॉस्पिटल मेरे साथ है घर के, तो मैंने कहा मैं वहाँ ले जाता हूँ, अगर जाना होगा तो हम वहाँ करीब ही जा सकते हैं। अगले दिन उसने दोपहर को ये हल्की सी शिकायत की, मुझे सांस फिर थोड़ी सफोकेशन हो रही है, तो मैं दोबारा उसे फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसको मैंने चंद घंटे रखा, ऑब्जर्वेशन में रखा, ब्रोंकोस्पैज्म उसे हम बोलते हैं, अस्थमा लाइक अटैक उसे था। शबाशा साहब भी कहेंगे मेरा जिक्र नहीं किया, ये वहाँ आ गए, इनके साथ अजीज़ साहब होते हैं, इन्होंने भी आके उसको कहा कि हमने भी इसे अल्लाह करके पानी पिलाना है, हालांकि वो उनका अपना स्टाइल है कलंदर बादशाह हैं। बहरहाल वो अजीज़ ने पता नहीं उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि हम सांप के काटे का दम करते हैं, और साथ की उस वक्त भी हालत ख़राब थी, हार्ट बीट काफ़ी ख़राब थी और तेज़ थी हार्ट बीट और थोड़ा सांस ख़राब था, तो इन्होंने उसके ऊपर पानी पता नहीं उसको पिला के थोड़ा सा, और फिर इन्होंने खुद पिया, फिर ये बाहर को भागे अजीज़ साहब, और बाहर जाके इन्होंने काफ़ी पौधों को पानी दिया, काफ़ी परिंदों को खाना डाला, कुत्तों को केक डालते रहे, कहने लगे कि ये सारा लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पता नहीं वो उनकी अपनी इलाज था, बच्चा ठीक हो गया, हम उसको उस दिन भी हॉस्पिटल से वापस ले आए, और आज तक माशाल्लाह वो हमारे साथ है। जून ही की बात है, जुलाई अगस्त है आजकल, जून के दिन थे और 4 साल शायद पहले की बात है। तो ये सांप बिच्छू के काटे का जो मेडिकल इलाज है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें जो हैरान कन बात ये थी कि वो जो मुझे बार बार वहाँ पर भी डॉक्टर था, और उस बच्चे ने भी मुझे कहा, बाद में भी उन्होंने मुझे फ़ोन करके वीडियोज़ अपनी खुशी से भेजी हैं बच्ची की, कि सर
दुनिया में सिवाय आपके हमें कोई होप नहीं दे रहा था, और एज ए डॉक्टर मेरे लिए उन डॉक्टर्स के साथ आर्ग्यू करना बड़ा मसला था, जो मुझे बार बार कहते थे कि यार तुम डॉक्टर होके फजूल बात पे बहस कर रहे हो। उस पर मुझे थोड़ा सा हुआ कि ये नॉलेज बहुत ही कम है, तो मैं इसे जनरल पब्लिक सर्विस के तौर पे दे देता हूँ कि ये काबिले इलाज है और इसमें आप बस उसके सांस का ख्याल करें, उस बंदे को हॉस्पिटल पहुँचा दें, तो अगर वेंटिलेटर नहीं भी है तो उसको एम्बू करें, एंडोट्रेकियल नहीं डालनी पड़ती तो नहीं डालनी नहीं आती तो उसको एम्बू मुंह पे रख के वो कर लें, एम्बू बैग भी नहीं है तो फिर माउथ टू माउथ ब्रीद करें और करीबी अस्पताल तक ले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी नब्ज़ चल रही है तो उसको डेड डिक्लेयर ना करें, और ना इतनी जल्दी हिम्मत हारें, और ना ये सोचें कि बस सांप ने काट लिया तो अब ये नहीं बच सकता। वो बच्ची जिंदा मिसाल है। हमारे पास पिछले 10 सालों में मेरा ख्याल 10-20 से ज़्यादा ही पेशेंट है, मैं काउंट नहीं, डाटा इनके पास होगा, मेरा तो अभी आईसीयू में नहीं आना जाना, तो इन बच्चों को ट्रेन कर दिया। अब भी इन्होंने ये जो दूसरा पेशेंट ठीक किया है, इधर ही हुआ है, अल्लाह ने उसे शिफा दी है, इन्होंने उसे चंद दिन वेंटिलेटर पे रखा है, वो नॉन मुस्लिम था, वो सूरह रहमान भी सुनता रहा और अल्लाह ने उसे मुकम्मल शिफा दी है, वो भी अपने पैरों पर चल के गया। वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा दी जाती है कि आप लोगों को यकीन आ जाए कि ऐसा हो सकता है, तो बेशक हम सबको शिफा अल्लाह ही देता है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان